कुछ नशा ही तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की मान का है। हम लहराएंगे हर जगह इस तिरंगे को, हम लहराएंगे हर जगह इस तिरंगे को। ऐसा नशा ही कुछ हिंदुस्तान का है। प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं आपको तिरंगा बनाना सिखाऊंगी, ताकि आप इस पावन पर्व, एक राष्ट्रीय पर्व को और अच्छे से मना सकें। आप सबका ड्राइंग कक्षा में स्वागत है। आज मैं आपको तिरंगा बनाना सिखाऊंगी, जिसके लिए आपको इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। बेटा, सबसे पहले हम आइसक्रीम स्टिक लेंगे और वाटर कलर और पेस्ट करने के लिए फेविकोल। हम इन आइसक्रीम स्टिक्स को पहले वाटर कलर की हेल्प से ट्राई कलर में कलर करेंगे। ओके बेटा, हमने यहाँ टू टू स्टिक्स यानी कि दो दो आइसक्रीम स्टिक्स को कलर किया है। देखिए, मैंने पहले से ही ये स्टिक्स कलर करके रखी हैं। दो स्टिक मैंने केसरिया रंग की रंग ली हैं और दो स्टिक मैंने हरे रंग से कलर की हैं और दो स्टिक, जैसा कि आप जानते हैं, सफ़ेद रंग भी हमारे तिरंगे में होता है, तो मैंने सफ़ेद रंग से दो स्टिक्स को रंग लिया है और बाकी स्टिक्स को मैंने ब्राउन कलर से कलर किया है। ओके बेटा, और बीच में तिरंगे में आप सभी जानते हैं कि अशोक चक्र होता है, तो एक सर्कल पेपर से मैंने कट किया है और उसको ब्लू स्टिक्स उसके ऊपर मैंने ड्रॉ की हैं स्केच पेन की हेल्प से। ठीक है, अब हम इन सभी स्टिक से एक तिरंगे को हम बनाएंगे। ओके बेटा, प्यारे बच्चों, हम अब सबसे ऊपर, आप जानते ही हैं कि तिरंगे में कौन सा कलर होता है बेटा, केसरिया। केसरिया रंग की स्टिक्स को हम लेंगे और उसके बैक साइड, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक तरफ मैंने स्टिक्स को केसरिया रंग से कलर किया, दूसरी तरफ हमारी एज इट इज यानी कि प्लेन स्टिक्स है, तो प्लेन स्टिक्स की साइड में हम फेविकोल अप्लाई करेंगे लाइक दिस। हमने फेविकोल इस टाइप से लगा लिया है और हम A4 शीट के सेंटर में, यानी कि दोनों तरफ आप देख लें कि बिल्कुल बराबर आपका गैप बचे, तो हम यहाँ आइसक्रीम स्टिक को बिल्कुल सीधा ऐसे पेस्ट करेंगे और एक और हमारी केसरिया रंग की स्टिक है उसको भी हम इस तरह से इसके साथ बिल्कुल इक्वल करते हुए हम यहाँ इसको पेस्ट करेंगे। उसके बाद बेटा बीच में हमारा आएगा सफ़ेद रंग, तो हम सफ़ेद रंग की स्टिक को भी ऐसे ही फेविकोल के ऊपर हम अप्लाई करेंगे और हम उसको पेस्ट करेंगे। इस तरह हम अपनी तीनों रंगों की स्टिक्स को ऐसे पेस्ट करेंगे और एक इसको बहुत अच्छे से तिरंगे राष्ट्रीय ध्वज का रूप देंगे। अब तक आपने ड्राइंग में कलर की हेल्प से तिरंगे बनाए हैं, आज आप कुछ नए तरीके से झंडा जो है तैयार करेंगे। ये हमारा 74th इंडिपेंडेंस डे है बेटा, और हम ऐसे इसको पेस्ट करेंगे। अब हम ब्राउन कलर से जो हमने स्टिक कलर की थी उसको लेंगे और साइड में ऐसे पेस्ट करेंगे लाइक दिस बेटा। टू स्टिक्स हम
ब्राउन कलर की जो हमने कलर की थी उनको हम पेस्ट करेंगे। ओके, उसके बाद हम यहाँ इसके लिए स्टेयर्स यानी कि सीढ़ियाँ भी बनाएंगे इन्हीं स्टिक्स की हेल्प से। इनको भी मैंने कलर कर लिया था और लाइक दिस। आप पहले से ही इनको कलर करके रखें ताकि अच्छे से पहले ड्राई हो जाए और आपको पेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। लाइक दिस बेटा। और ये फ्लैग जो है बनने के बाद बहुत क्रिएटिव और बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। और आप इस तरह से अपनी प्रतिभा का अच्छे से प्रदर्शन कर पाएंगे। ओके बेटा, अब एक तिरंगे में हमारी कुछ हमें कमी लग रही है और कमी किसकी है? अशोक चक्र, यानी कि अशोक चक्र भी हम इसके ऊपर पेस्ट करेंगे। और आप मुझे बताएंगे कि अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 24। ओके, आप ये देखें कि हम प्यारे बच्चों आप देख पा रहे हैं कि कितना सुंदर राष्ट्रीय ध्वज बनकर तैयार हुआ है। आप इसको A4 शीट या अपनी ड्राइंग फाइल में तैयार करेंगे और मुझे आप उसकी पिक जरूर सेंड करेंगे। और मैं आशा करती हूँ कि सभी बच्चे अपने देश के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए इस राष्ट्रीय ध्वज को जरूर बनाएंगे। जय भारत, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। इसकी हजारों नदियां।